देखो अभी भी सोच लो, बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें। तो तुम्हारा आना जरूरी है क्या? सासू माँ, सिर्फ जरूरी नहीं, बहुत जरूरी है। क्यों? मैराथन रेस तुम्हारे बगैर शुरू नहीं हो सकती। सासू माँ, मैराथन तो शुरू हो जाएगी, लेकिन आप ये बताओ कि आप क्यों शुरू हो गई अभी? मेरे आने से आपको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम मुझे तुम्हारे आने से नहीं है, तुम्हारे मैराथन में पार्टिसिपेट करने से। अरे बीच रास्ते में दौड़ते दौड़ते चक्कर खाकर गिर गई तो और मुसीबत कर दोगी तुम। डोंट वरी सासू माँ, मैंने पूरी तैयारी कर ली है। पता है, एक हफ्ते से रोज सुबह दौड़ने भी जाती हूँ मैं। हाँ हाँ, वो तो मैं देख ही रही हूँ। मही, पार्क के दो चक्कर लगाने से या फिर ये डाइनिंग टेबल या सोफे के आसपास दौड़ने को दौड़ना नहीं कहते। मैराथन का दौड़ना बहुत अलग होता है, 100 मीटर का रेस नहीं है वो, मैराथन है मैराथन। एक चौथाई रास्ता भी पार नहीं कर पाओगी तुम। सासू माँ, आप एक चौथाई की बात कर रही है? अरे मैंने तो पूरा मैराथन कम्प्लीट कर टॉप 100 में पहुँचने की बात सोच रखी है। टॉप 100? हाँ हाँ, क्यों नहीं। टॉप 100 क्या, तुम तो टॉप 10 में भी आ सकती हो, लेकिन रेस कंप्लीट करने वालों में से नहीं, रेस में से आउट हो जाने वालों में से। ओ नो, आप दोनों फिर से शुरू हो गए। मॉम, बड़ोदर निकलने के टाइम हो गया और आपका सामान कहाँ है? आप प्रवीण भाई को बोलिए कि आपका सामान पहुंचाए, तब तक मैं कार निकालता हूँ। अरे सागर, कार निकालने की क्या जरूरत है? मही तो वैसे भी अहमदाबाद से बड़ोदा दौड़ते हुए आएगी ना, इतनी प्रैक्टिस जो की है। सासू माँ, कोई अगर सांस रोकने की प्रैक्टिस कर रहा हो ना, तो उसका मतलब ये नहीं कि सुबह से लेकर शाम तक वो सांस ही ना ले। कैसी रही? वैसे आप दोनों को पता है कि हम किस मकसद के लिए वडोदरा जा रहे हैं? यूनिटी के लिए। तो उसी यूनिटी की खातिर अब चलें? अरे हाँ, मैं 2 मिनट में आई। हाँ, हाँ। सामान। प्रवीण भाई, मेरा बैग प्लीज निकालिए। देखो लीजा, सोनिया को गुस्सा मत दिलाओ, ओके? तुमने प्रॉमिस किया था, इसीलिए सोनिया ने किटी पार्टी रखी थी, और अब तुम ही नहीं आओगी तो पार्टी कैंसिल करनी पड़ेगी ना। कितनी बदनामी होगी सोनिया की। तो लीजा तो भाभी की पार्लर वाली है, तो इसके ना आने से भाभी पार्टी क्यों कैंसिल कर रही है? लीजा, मैंने तुम्हें बताया था ना, मैंने पार्टी में वेलकम गिफ्ट के तौर पर अपनी सारी फ्रेंड्स को फेशियल का वादा किया है। अब तुम नहीं आओगी तो सोनिया सबको क्या जवाब देगी? हाँ, सोनिया को पता है कि तुम्हारी मॉम की थोड़ी सी तबीयत खराब है। अब थोड़ी सी तबीयत के लिए तुम सोनिया की पूरी पार्टी खराब करोगी? हाँ, कोई बात नहीं, अगर तुम्हें नहीं आना है तो मत आओ। आज के बाद सोनिया भी तुम्हारे पार्लर में कभी नहीं आएगी, और सोनिया की कोई फ्रेंड भी नहीं आएगी। सोनिया भाभी, अगर लीजा की मॉम की तबीयत खराब है तो आप उसे जबरदस्ती क्यों बुला? सागर भैया, आप सोनिया से बात मत कीजिए, अभी सोनिया बहुत ही गुस्से में है और अपसेट भी। हाँ हाँ जा, रसगुल्ले की तरह नरम आलू देती है, सख्त टमाटर देती पत्थर की तरह, और गुस्सा ऐसा जैसे महारानी है कहीं की। प्रवीण भाई, फिर सब्जी वाली के साथ झगड़ा? सागर भाई, मैंने नहीं किया, उसने किया है, और आज तो मैं तंग आ गया इस रॉकेट वाली से। अब तो मैं जमालपुर बड़ी सब्जी मंडी जाऊंगा और सारी सब्जियां ना वहीं से लेकर के आऊंगा। सुबह सुबह उसकी शक्ल देखने से पूरा दिन खराब हो जाता है। कमाल है, कलम सरदार पटेल जी की याद में यूनिटी के लिए मैराथन में दौड़ने जा रहे हैं, और यहाँ छोटी छोटी बातों में खुद ही लड़ रहे हैं। वेरी बैड। चलें, और कितना टाइम लगेगा? लेट्स गो टू बड़ोदरा। आ गई आ गई। प्रवीण भाई, मेरा बैग जल्दी से कार में रखवाइए। चलिए, मैं भी रेडी हूँ। तुम्हारी तो किटी पार्टी है ना घर पर, तो तुम क्यों आ रही हो? हाँ थी, पर वो कैंसिल हो गई, वो पार्लर वाली की वजह से। अब सोनिया अकेली घर पर क्या करेगी, इसलिए मैं भी आ रही हूँ। अरे वाह, मजा आएगा। चलो सागर भाई भी आए तो चलो। आ गए आ गए सागर भैया। ये रही आप सबकी कोल्ड ड्रिंक। थैंक यू सो मच। चलें। सागर जी, मुझे तो लगा आप वो लाल बत्ती वाली सायरन वाली गाड़ी में जाएंगे टैम 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 करके। मही, फैमिली विजिट है ना, तो मॉम ने मना कर दिया। ओहो, वैसे सासू माँ, आज तो आपकी तारीफ मुझे करनी पड़ेगी। फैमिली विजिट के लिए जा रहे तो आपने अपनी सरकारी गाड़ी को टाटा बाय बाय बोल दिया। वाह, और आम इंसान की तरह हमारे साथ आ रही है सासू माँ गाड़ी में।
चलो इसी बात पर तो तुम्हारी आंख खुली के तुम्हारी सास उसूलों की कितनी पक्की है। हाँ हाँ सासू माँ, लेकिन सिर्फ सरकारी बातों में, हाँ वरना घर की राजनीति में तो अब ये सारे उसूल को छोड़ देती हो। हाँ सागर, जाते वक्त जरा टेप चालू रखना, तो ये दूसरी टेप बंद रहेगी। हाँ हाँ सागर जी, वो सॉन्ग बजाना कि ओढ़नी ओढ़ू तो उड़ी उड़ी जाओ, या तो फिर वो भी बजाना और कौन सा था, हाँ तारी आँख न अब पीली तारी बोल न बंधाड़ी, वो मस्त है सागर जी। सॉरी मॉम, अब बीवी की फरमाइश है, पूरी तो करनी पड़ेगी। क्या बात है। और मॉम आपको भी तो गुजराती गाने पसंद ही हैं। हाँ पर ये वहाँ पर क्या मॉम, बहुत मजा आएगा। और पता है वो बीच में महिसागर नदी आती है ना, तो वो गाना भी हो जाएगा। कौन सा गाना था वो, महिसागर में आ रे लोल मागे छेवा। सोनिया ये सॉन्ग हम बाद में भी बजा सकते हैं ना, वडोदरा तक जाना है हमें। अरे सिर्फ वडोदरा नहीं जाना है सासू माँ, बीच में कोई टिपिकल ढाबा आएगा ना, तो वहाँ की गर्मा गर्म मसालेदार चाय भी पियेंगे, मजा आएगा। और वही अकेली चाय कैसे, जलेबी गाठियाँ। सागर जी वो तो खाना ही पड़ेगा ना, उसके बगैर कैसे चलेगा भाभी। बाप रे, कार्टून कपल है ये। बोल दिया ना एक बार, बस बात खत्म। चले चलो 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 चलो। ये आपके लिए गुरजीत, ये आपके लिए मैम, ये आपके लिए है आशना। दिस फॉर यू भावना जी।